हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, लास्ट फॉर टाउन हॉल 12 के कुछ अटैक्स हैं जो कि मैं फीचर करूंगा। सो पहले बेसिस के लेआउट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हम लोगों ने 115 स्टार्स स्कोर किए और अपोनेंट्स 113 स्टार्स किए थे। सेम वही चीज़ है कि डिसाइडर जो था टर्न 14 के ऊपर ही हुआ था। हमसे भी उनकी पांच बेसिस हैं क्लियर नहीं हो सकी थी और उनसे हमारा कोई एक भी टर्न 14 जो है वो क्लियर नहीं हो सका था। सो खैर, आज तो हम टर्न 12 के अटैक्स हैं। ओके, एन के बेदोनिसम, उसने अटैक किया था टर्न 12, मैस विच अटैक है। देखा जाए तो इस अटैक के अंदर थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। अगर वो वाली बॉल टूट जाती टर्न हॉल के पास जो बॉल है, तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी थी। आपकी क्वीन भी बची रहती और आपका एक फ्री स्पेल जो एक्स्ट्रा यूज़ हुआ था टर्न हॉल के ऊपर वो भी यूज़ ना होता। लेकिन खैर, स्टिल 3 स्टार हो गया था। ट्रूप्स कॉम्बिनेशन देखने, ओके, बेस 18 के ऊपर पैकअप वो बैट अटैक किया हुआ। ओके ओके, इसके अंदर आपने देखना कि फनल जो है ना वो किस तरह बनाया था और फिर उसके बाद जो ट्रूप एग्जीक्यूशन जो थी वो। Thank you.
का बोबैट के अंदर आपको विजिट आवर्स और वो जो मल्टी इन्फर्नो है, डाउनलोड वेब की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों का आप लोगों को टारगेट करना पड़ता है। ये दोनों अगर आपने काबू कर लिए पहले, फिर आपकी जो जो बैट स्पेल्स हैं वो बहुत अच्छा डैमेज कर जाते हैं, और रीत की बाकी बेस जो वो क्लियर कर जाते होते हैं। इधर भी बेदो ने सम नहीं अटैक किया था, और अगेन मैच स्विच अटैक है। जिसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके लॉग लॉन्चर को जो है ना कोई भी ओपोनेंट का जो डिफेंस है वो टारगेट ना कर रहा हो, ताकि लॉग लॉन्चर जो जल्दी ना टूटे, वो जितना ज़्यादा हिट कर सकती है वॉल्स को और बिल्डिंग्स को वो कर सके। सो इसलिए आप लोग जब भी लॉग लॉन्चर डालना है तो पहले पैका डालें या पहले किंग डाल के फिर उसके बाद लॉग लॉन्चर को डालें, ताकि हर कोई जो है वो बाकी चीज़ों को टारगेट करे, लॉग लॉन्चर को टारगेट ना करे। एक अटैक रूथलेस का है, उसका रिप्ले देख लेते हैं। एक इसने एक डिफरेंट कम्बिनेशन है स्टार्ट की यूज़ किया हुआ है, वार्डन वॉक थी और फिर उसके बाद एक्चुअली में ये येटी स्लैप है, बैट स्लैप नहीं है, खाली येटी स्लैप है, क्योंकि इसने बैट्स नहीं यूज़ किए हैं। उसकी जगह उसके पास जंप स्पेल है और अर्थक्वेक स्पेल्स है। सो गाइस, तो ये थे हमारे अटैक्स। आई होप आप लोगों को अटैक्स पसंद आए होंगे। बेसिस टफ थी, देखने में टफ ही लगनी थी, लेकिन ये कि अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करें तो इजीली 3 स्टार्स कर सकते हैं। सो आप लोग भी ट्राई करो सेम स्ट्रेटजी, लेकिन 3 स्टार कर जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।